जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। दे ऑफ्टन क्या आएगा, दे ऑफ्टन या ऑफन दोनों सही है। दे ऑफ्टन आर इन द पार्क एट नाइट। अब फिर देखिए गलती का है, यहां पे फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को फिर यहां पे लाना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही एडवर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा फिर एडवर्ब आएगा। आगे बढ़ते हैं। अ गुड लीडर लीड गाइड एंड मोटिवेट पीपल ऑलवेज। अब देखिए फिर ये ऑलवेज क्या है बेटा, ये बताओ एडवर्ब है। अब मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज हमें एडवर्ब हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब से के बाद आएगा या तो मेन वर्ब से पहले आएगा। अब यहां पे कहीं हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं बट मेन वर्ब तो होगी कहीं ना कहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहां पे मेन वर्ब क्या है, लीड। क्या है, लीड। अब अगर आप देखो मेन वर्ब देख लिया हमने, अब मेन वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब, क्या आएगा मेन वर्ब से पहले। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज कहां उठा देंगे, यहां पर डाल देंगे। तो अ गुड लीडर ऑलवेज, देखे यहां पर देखे अ गुड लीडर ऑलवेज लीड गाइड एंड मोटिवेट पीपल, यहां से फुल स्टॉप, यहां पे ये गलत हो गया। बट यहां पे एक और गलती है क्योंकि जब अ गुड लीडर है ना, एक लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब जब एक लीडर के बारे में बात करते हैं, सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, तो क्या आएगा, एस या तो ईएस। तो यहां पे क्या आएगा, लीड्स, फिर क्या आएगा, गाइड्स एंड मोटिवेट्स पीपल। एक और बार बोलेंगे सही क्या होगा, अ गुड लीडर ऑलवेज लीड्स गाइड्स एंड मोटिवेट्स पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑनेस्ट, देखो फिर एन ऑनेस्ट सिटीजन, एक मतलब एक ऑनेस्ट सिटीजन क्या करता है, वॉयलेट एनी रूल नेवर, मतलब वो कभी भी रूल को वॉयलेट नहीं करता है, एक अच्छा सिटीजन जो होता है, ऑनेस्ट सिटीजन होता है। तो एक के बारे में बात है तो यहां पे क्या आएगा, फिर एस और ईएस आना ही आना है। क्या आएगा यहां पे, एस और ईएस, क्योंकि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस और ईएस आएगा। चलिए ठीक है। अब क्या, पॉलिटिकल पार्टीज ब्रेक्स देयर प्रोमिसेस यूजुअली। अब यूजुअली क्या है, फिर एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब से पहले। अब मेन वर्ब क्या है यहां पे, ब्रेक। अब ब्रेक से पहले क्या आ जाएगा, फिर ये देखो यूजुअली यहां पे ब्रेक से पहले आ जाएगा। फिर क्या आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे यूजुअली ब्रेक्स देयर प्रोमिसेस, इतना सही है। बट ये फिर भी गलत है क्योंकि यहां पे ब्रेक्स लगाया, वर्ब में एस और ईएस लगाया, और वर्ब में एस और ईएस कहां पे आता है, सिर्फ कब आता है, जब सिंगुलर हो। अब पार्टी सिंगुलर है या प्लूरल है बताओ, एक पार्टी के बारे में बात हो रही है कि बहुत सारी पार्टीज के बारे में बात हो रही है, अक्सर बहुत सारी पार्टीज के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, एस और ईएस यहां पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद कभी भी एस नहीं आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, सही सेंटेंस क्या होगा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, अब यूजुअली आ जाएगा, अब पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली ब्रेक देयर प्रोमिसेस, फुल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो क्या है, अचीटर, अचीटर ब्रेक समवंस हार्ट ऑलवेज। फिर ऑलवेज क्या है ये बताओ, ऑलवेज एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या है, हमेशा कहां पे आएगा, मेन वर्ब से पहले। देखो मेन वर्ब से पहले आ गया तो यहां पे क्या आएगा, अचीटर ऑलवेज ब्रेक समवंस हार्ट। अब देखो ये चीटर, देखिए लाइफ में, अभी भी कह रहा हूं, लाइफ में कभी भी किसी को भी आप चीट मत करिएगा। मैं बहुत सारे कॉमेंट्स देखता हूं, अब बहुत सारे कमेंट्स में क्या लिखा हुआ रहता है, सर आप रेगुलर बेसिस के भी टॉपिक कवर करिए, तो मैं पढ़ाते साथ ही कवर कर सकता हूं, अलग से कैसे कवर करूं, अगर कमेंट ज्यादा आएंगे तो बिल्कुल अलग से करेंगे। बट आज आप पहली एक लर्निंग सीख जाइए कि आप कभी भी किसी को भी चीट ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को भी चीट धोखे में रखते हैं, धोखेबाजी करते हैं, तो आप यहीं पर भुगत के जाएंगे। यही जिस दिन आपने किसी को चीट कर दिया, जिस अगर आप रिलेशनशिप में हैं या कहीं और हैं या किसी के भी साथ हैं, अगर आप 7-8-10 साल से उसके साथ हैं और अगर आप चीट करके जा रहे हैं, भले ही बहाना कुछ भी हो सकता है, पैसा बहाना हो सकता है, या घर वाले नहीं मान रहे बहाना हो सकता है, पापा नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहे, या कुछ भी बहाना हो सकता है, वो सिर्फ एक बहाना है, लास्ट में आप चीट कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है, तो आप समझ जाइए किसी के अगर आपने 7-8 साल बिगाड़े हैं तो आपको 14 साल का वनवास यहीं पे झेलना पड़ेगा, और नरक है वो, आपको कर्म फल तो यहीं भोगना पड़ेगा, चाहे आपके ऊपर आए, बच्चों पे आए, फैमिली पे आए, किसी पे भी आए, बट आपको वो 14 से 16 साल यहीं पे भोगना पड़ेगा। तो आप कभी भी किसी को चीट ना करें, चीट बिल्कुल भी ना करें, ये आज आप एक लर्निंग लेते हुए जाए पढ़ाई के अलावा, चीट कभी किसी को ना करे, आपको यही भुगतना पड़ेगा, यही आपकी कब्र खोद दी है आपने अपने पैरों से, और जिसको चीट किया है वो भी देखता रहेगा आपको कि आपकी हालत क्या है, और आप उसके पास दोबारा वापस जा नहीं पाएंगे। तो चीट कभी किसी को ना करे। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज, ऑलवेज के बारे में हम बात करते हैं। तो ऑलवेज क्या है, अ चीटर ऑलवेज ब्रेक समवन हार्ट। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे ब्रेक्स क्यों आएगा, अ चीटर मतलब सिंगुलर के बारे में। आगे बात करते हैं, एक्टर्स क्या है, एक्टर्स
एंटरटेन्स थ्रू देयर एक्टिंग. अब एक्टर्स हैं तो यहां पे एसओरियस नहीं आएगा, मैं बार बार नहीं समझाना चाहता हूं क्योंकि प्लूरल है. आगे वॉटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. देखो मैंने क्या बताया था यहां पे कि आपको क्या यूनिवर्सल ट्रूथ देखना है. देखें आप सबसे पहले ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये देखें, ये जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के बारे में बातचीत आएगी तो आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में ही उसे बनाना है. और सिंपल प्रेजेंट क्या कहता है, जब भी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, एस और ईएस आता है. तो वॉटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजेस एट, अब फ्रीज नहीं, फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे एस और ईएस लगाना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नंबर गायब हो जाएगा अगर आपने ये पेपर में मिस कर दिया तो. फिर क्या, शी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट टू अर्न मनी. अब शी सिंगुलर है तो इन्वेस्ट नहीं आएगा, इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट टू अर्न मनी. नेक्स्ट है क्या है, दीज डेज पीपल डू नॉट ऑब्जेक्ट टू करप्शन. अब दीज डेज पीपल डू, अब यहां डज नॉट है, देखो अब सही क्या होगा, यहां पे डू नॉट होगा. अब आपको यह भी करना है सही, अब यहां डू नॉट क्यों होगा, आप फिर मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेते हुए चलता हूं यहीं पे. देखो प्लूरल के साथ हमेशा मैंने क्या बताया था, प्लूरल के साथ हमेशा क्या बताया था, मैंने डू आएगा. और सिंगुलर के साथ हमेशा मैंने क्या बताया था, डज आएगा. सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू. अब मुझे यहां पे ये बताओ कि ये जो है पीपल, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है. पीपल का सिंगुलर क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था पर्सन होता है पीपल का सिंगुलर. तो क्या आएगा, दीज डेज पर्सन, अब पर्सन होता तो तब डज नॉट होता, तो यहां पे क्या, दीज डेज पीपल, अब डज नॉट है तो इसको काट के हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट, क्योंकि प्लूरल, डू नॉट ऑब्जेक्ट टू करप्शन. नेक्स्ट है प्लेयर्स, यहां पे प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ डज तो आ ही नहीं सकता, प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है. अभी मैंने आपको बताया डू नॉट प्ले फॉर मनी, जो प्लेयर्स है वो मनी के लिए नहीं खेलते, किसके लिए खेलते, दे प्ले फॉर रिस्पेक्ट. अ डॉक्टर डू नॉट प्रिस्क्राइब, अ डॉक्टर अ सिंगुलर है, प्रिस्क्राइब आ गया सीधा एसोरियस. अब आपको एक एक वर्ड पकड़ना है, पढ़ पढ़ के देखना है, और जहां पे आपको एरर दिख गया तो सीधा ठोकना है आपको एसोरियस. क्या है, अ डॉक्टर डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन विदाउट चेकिंग द पेशेंट, मतलब पेशेंट को चेक किए बिना, मतलब उससे पहले वो प्रिस्क्राइब नहीं करता. व्हाई ही बिहेव्स, देखिए व्हाई ही बिहेव्स सो रूडली विद एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड के साथ है. अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया यहां पे, अब मैं दोबारा आपको पहली स्लाइड की तरफ लेते हुए चलता हूं. ये आइए, अब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा हमने क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब डूडस, उसके बाद सब्जेक्ट आया है. तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, डूडस आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. अब यहां पे गलती देखो आप, यहां पे गलती क्या है, यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड आया, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट आया, बट वहां पे क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, सबसे पहले हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज आपको आना ही चाहिए. तो यहां पे सही क्या होगा, वाई, अब ही है तो ही के साथ क्या आएगा, हमेशा डज आएगा. तो यहां पे क्या आना चाहिए, वाई डज ही, अब डज आ गया तो फिर यहां से एस कट जाएगा. तो why does he behave so rudely with everyone, मतलब वो हमेशा ऐसा रूड बिहेव क्यों करता है. प्रेजेंट में समझ में आ रहा है, देखो मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं कि मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस के एंड में होता है, जाता है, खाता है, पीता है, आएगा, तो ये प्रेजेंट होता है. क्यों पढ़ रहे हो यार इस चक्कर में, अगर आपको यही पढ़ना है तो 60 रुपए की 70 रुपए की ग्रामर की बुक आती है उससे पढ़ लो, बट आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे अगर आप उसके सहारे से पढ़ोगे. तो आपको थोड़ा सेंसिबल पढ़ना है ना, हिंदी में आपको पता है प्रेजेंट क्या होता है, क्वेश्चन बार बार होते हैं, बस आपको सिंपल सा ये समझना है. तो वाक्य के अंत में ना जाए, सेंस में जरूर जाए. तो क्या, व्हाई डज ही बिहेव सो रूडली विद एवरीवन, मतलब वो क्यों ऐसा बिहेव करता है सबके साथ. अब देखो हाउ ही, फिर मैनेजर्स आ गया, मैंने क्या बोला, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज आएगा प्रेजेंट में. तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही है तो ही के साथ क्या आता है, डज, व्हाई डज ही, अब मैनेजेस नहीं आएगा, मैनेज, व्हाई डज ही मैनेज एवरीथिंग सो इजीली, मतलब इतनी इजी से सब मैनेज कैसे कर लेता है ये. फिर डब्ल्यू एच वर्ड आया, अब आ गया यहां दे, अब दे है प्लूरल, तो दे का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, मतलब दे के साथ हमेशा डू आता है, तो हेल्पिंग डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आना है. तो डब्ल्यू एच वर्ड है वेयर डू दे लीव दीज डेज, दोबारा मैं आप एक और बार रिपीट कर लेता हूं, देखिएगा, ये देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा क्या आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा क्या आ रहा है, ये देखिए डू डज आ रहा है, नहीं आ रहा. अब डू कहां पे आता है, दे के साथ क्या आ रहा है, डू आ रहा है, तो इसलिए मैंने लास्ट में क्या लगा दिया आपको, मैंने लास्ट में लगा दिया है क्या, ये वेयर डू दे लिव दिस डेज, मतलब वो आजकल कहां पे रह रहे हैं. बाकी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, अगर आपको हमारा ये कंटेंट
तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएं इस कमेंट सेक्शन को कि मैं आपके जवाब दे सकूं। और अगर आपको नॉर्मल सोशल टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप बताएं, जिसके जैसे कॉमेंट हो गए तो मैं वैसे आपको सोशल टॉपिक पे भी अवेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।